सो हेलो गाइज, आज फाइनली कैंपस टूर हम आपको देने वाले हैं। आज हमारा RT-PCR टेस्ट हुआ है। क्वारंटीन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग गए थे और हमने एक कैंपस का व्लॉग शूट किया है आपके लिए, एंड अभी तो वापस आ गए हैं हॉस्टल के लिए। सो एंजॉय द व्लॉग। ओके, सो आज हमारा RT-PCR टेस्ट होने वाला है और मैं यहाँ पे आया हूँ। डिस्पेंसरी है, आई डोंट नो कौन सी जगह है, लाइन सी लगी हुई है। चलिए देखते हैं। काफ़ी तेज़ धूप है यहाँ पे, गर्मी लगने लगती है, थोड़ी वोड़ी उतारना पड़ता है। तो सब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे और हमारे भव्य भैया भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है कॉलेज का। पेड़ वेड़ लगे हुए हैं लेकिन थोड़े कम है। क्वारंटीन जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। एंड नीतीश भाई, व्हाट्सअप? बढ़िया यार, क्वारंटीन फाइनली ख़त्म होने वाला है। ओके, देखते हैं, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। RT-PCR टेस्ट सबकी हालत ख़राब की है। अबे वैसे ही मेरे को बहुत खुशी है कि मैं बच गया हूँ। मतलब मैं पापा को भी फ़ोन करके बताऊंगा कि पापा मैं जिंदा हूँ, बता दो। दो बच्चे लोग हैं बस, वो दोनों भी पास हो गए। भगवान दादा को बता। बहुत ज़्यादा अंदर तक ड्रिल किया जा रहा है डॉक्टर के द्वारा। अब ये लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं बैचमेट का, पता नहीं क्यों। बिकॉज़ इट इज़ फनी। ओके, सो दिव्यांश सेज इट इज़ फनी। ओह माय गॉड। तो ये शानदार से फ्लैट टाइप के अपार्टमेंट्स हैं। तो ये अपार्टमेंट्स फैकल्टी के लिए हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। कार वार भी है भाई, और ये उधर भी वैसे ही है, और ये गर्ल्स हॉस्टल है ऑफ कोर्स। ओके, KRC दिख रहा है यहाँ से, सुंदर सी बिल्डिंग हमारी। देखा दूनी ये लोग भी सब इधर की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे फैकल्टी रहती है भाई, देख के ही लग रहा है कि अच्छे वाले अपार्टमेंट। सो अभी हम लोग गर्ल्स से दूर से ही बाय बाय टाटा बोल दिए हैं। वो बैल्कनी में दिख रही थी, अभी तो खैर यहाँ से नहीं दिख पाएंगे आप लोगों को। और ये शानदार सी बिल्डिंग है एक। इधर कुछ लड़के हमारे सबके सब भ्रमण करने जा रहे हैं। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज हम कैंपस दिखा रहे हैं, आखिरकार कैंपस दिखा रहे हैं। ओके, सो वी जस्ट मेट आर फैकल्टी ऑफ गेम थ्योरी, एंड उन्होंने कुछ कुछ बताया हमें, वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। एंड अच्छे अच्छे उन्होंने बताया कि 36 हाउसेज हैं यहाँ पे फैकल्टी के। और अब यहाँ से आता है व्यू हमारी लाइब्रेरी का। ओके, सो दैट इज़ दी KRC। शायद यही मेन अट्रैक्शन है अपने कॉलेज का। अच्छा, मेन अट्रैक्शन तो डॉम है, बट वो भी काफ़ी अच्छी है। KRC काफ़ी बड़ी लग रही है, शायद वीडियो में उतनी बड़ी ना लगे। एंड ये कुछ बिल्डिंग्स हैं हमारी आई एम रोहतक की, ये कुछ फैकल्टी की बिल्डिंग्स हैं। काफ़ी तेज़ धूप हो रही है अभी। जो भी हो, व्यू अच्छा है यहाँ से, एंड काफ़ी मेंटेन भी कर रखा है यहाँ पे। हमारे हॉस्टल के सामने तो कुछ भी मेंटेन नहीं किया है। PGPM। हाँ, ओके, सो प्रिंस भाई कह रहे हैं कि बगल में जो है PGP है, इसलिए सब कुछ मेंटेन्ड है। तो भाई आखिरी के 2 साल तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। हाँ, ये जगह जो है शायद फेस्ट वेस्ट कराने के लिए है। आई थिंक इसको क्या बोलते हैं, ओपन एयर। ओके, जो भी है। ओके, फाइनली पूरा का पूरा KRC दिख रहा है वहाँ पे, एंड
ये अपनी पीजीपी की बिल्डिंग्स है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बास्केटबॉल कोर्ट भी है यहाँ पे यार। पीजीपी में तो मतलब एकदम बढ़िया से बना के रखा है, ऐसा लग रहा है कि ये लोग शहर में रहते हैं, हम गांव में रहते हैं। तो ये है एक बास्केटबॉल कोर्ट, एंड अच्छे से मेंटेन्ड कोर्ट है यार ये तो। ओके सो प्रिंस भाई कह रहे हैं कि चलते हैं भाई केआरसी, हम लोग रिस्क लेते हैं, बाकी लोग तो चले गए वापस। ओके सो आई थिंक दैट इज़ द पीजीपी मेस। नहीं आई थिंक नहीं, आई एम श्योर दैट इज़ द पीजीपी मेस, या जो भी है कैंटीन वगैरह जो भी है। एंड वहाँ पे मुझे दिख रहा है आई एम रोहतक का लोगो और एंट्रेंस टू दी केआरसी एंड द मेन बिल्डिंग। तो अभी हमने पीजीपी वाले से इंटरेक्ट किया है, तो शानदार सी डिटेलिंग है। जो वॉल में आपको होल्स दिख रहे हैं वो भी लोगों के ही अकॉर्डिंग है, एंड दैट इज़ द एंट्रेंस। ओके तो वाह यार, ओके आई शुड कीप माय वॉइस लो क्योंकि यहाँ पे आवाज़ काफ़ी गूंज रही है। यहाँ पे हल्की हल्की धूप आ रही है जो कि काफ़ी शानदार बना रहा है इसे इंजीनियरिंग माहौल। That is the entrance to KRC, I guess. So here I am at the library and बहुत सारी books वगैरह हैं यहाँ पे, बहुत सारी books हैं and the library is huge library है। Okay, so let me show you some books. बट लाइब्रेरी बहुत बड़ी है यहाँ पे एंड इट्स ब्यूटिफुल, प्रॉपर डिजाइनिंग वगैरह है यहाँ पे। सो दिस इज द आईपीएम एंड आईपीएल लाइब्रेरी। ओके सो दिस इज द आईपीएम एंड आईपीएल लाइब्रेरी स्पेस, लुक एट दैट, दीज आर द सीट्स मैन। ओके ओके भाई ठीक है, that is the view, outside view is also amazing, air conditioners are there. yahan pe thodi si IBM wali books bhi hai, data analysis and business modeling wagera, and yahan pe economics, macroeconomics wagera bhi hai, investments, okay cloud computing bhi hai. so that is the library. ab isse zyada main nahi dikha book, tada था हमारा IPM एंड IPL लाइब्रेरी, एंड नीचे जो है PGP की बुक्स है, PGP की लाइब्रेरी है। वैसे तो हमारी बुक्स और कोर्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, हमारा थोड़ा ज़्यादा बेसिक है, उनका एडवांस्ड है। तो ये है लाइब्रेरी, यहाँ पे काफ़ी शांति है। तो हम लाइब्रेरी आपको दिखा चुके हैं, अब हम लोग मेन डोम की तरफ जा रहे हैं। ये है व्यू आउटसाइड से, बाहर का व्यू है केआरसी, एंड ये थोड़ी सी कुछ जगह दिख रही है मुझे, पता नहीं शायद स्टेज शोज के लिए है। एंड यस यही है मेन डोर्म, सॉरी डोर्म कह रहा हूँ, ये है मेन बिल्डिंग हमारे आई एम रोहतक की। मैं आगे से दिखा दूँगा, पहले अंदर का व्यू थोड़ा सा दिखा दूँ। सो यहाँ पे अभी कोई है नहीं इसलिए हम दिखा पा रहे हैं। तो ये है हमारी मेन बिल्डिंग, इनसाइड ऑफ आवर मेन बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये, मतलब हाइट काफ़ी है इसकी। ये रही मेन बिल्डिंग, दैट इज़ IIM रोहतक, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया है KRC, कुछ बसेस वगैरह हैं वहाँ पे, एंड मज़ा आया, मतलब अच्छा है कॉलेज ऑब्वियसली। ये शायद IIM है तो सिक्योरिटी चेक पॉइंट नहीं, कोई बैठने की जगह है। फूल पत्ते हैं यहाँ पे, पानी दिया जा रहा है। सो गाइस दैट इज़ इट,
भारतीय प्रबंध संस्थान रोहतक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कसम से, बिल्डिंग देख के मज़ा आया। तो यहाँ लिखा है IIM रोहतक, ओबे ट्रैफिक रूल्स, यूज़ हेलमेट, सीट बेल्ट एंड मेंटेन स्पीड लिमिट। पर हमारे, मुझे तो नहीं लगता है कि हमारे यहाँ ये व्हीकल्स लाना अलाउड है या नहीं है, पता नहीं। ये है एक एम्फी थिएटर टाइप का, यहाँ पे शो होता है और वहाँ पे लोग बैठते होंगे, वो स्टेयर्स टाइप की हैं। तो पीजीपी वाले घूमते रहते हैं यहाँ पे, शायद उनकी क्लासेस अभी नहीं होंगी, ठीक है। हम थोड़ा सा अच्छा ही मान के चलते हैं कि वो क्लास बंक नहीं कर रहे हैं, क्लासेस नहीं है उनकी, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, ठीक है। अगर हम भटक जाते हैं, सॉरी, अगर काउंटिंग हो जाती है हॉस्टल में, तो हम लोग बोलेंगे कि रास्ता भटक गए थे। वैसे हम काफ़ी डिसिप्लिन स्टूडेंट्स हैं, मैं तो पर्सनली 8 घंटे रोज़ पढ़ाई करता हूँ। बस इतना ही था यार कैंपस, अब तो अपना बैक टू हॉस्टल हो जाएगा, रास्ता दिखा देते हैं। ओके, अब मुझे समझ में आया कि ये हॉस्टल है, हम लोगों को मार पड़ने वाली है क्योंकि हम लोग पूरा घूम के आए हैं, तो वापस आ गए हैं हम लोग। मज़ा आ गया, पूरा हॉस्टल का टूर हमने कर लिया है, अब वापस चलते हैं अपने रूम में, छोटा सा प्यारा सा रूम, सेकेंड फ्लोर पे है भाई, कुछ कर नहीं सकते। ओके गाइस, सो देयर इज द टेनिस कोर्ट एंड ब्यूटीफुल, ये सनसेट टाइम है क्या है पता नहीं। ओके, इट्स नॉट सनसेट टाइम बट ठीक है, बादल वादल हैं। एंड ये अपनी डिस्पेंसरी या मेडिकल सेंटर है, जो भी है, यहीं पे हम लोगों का RT-PCR हुआ था, अभी ये लोग फिर से जा रहे हैं अपना RT-PCR कराने। एंड ये अपनी फैकल्टी की बिल्डिंग्स। ओके, अच्छा, तो कई लोगों को लग सकता है कि भाई 4 लोग एक रूम में रह रहे हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार, उल्टा हम लोग काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। देखिए, फैसिलिटीज़ सारी हैं बट ट्रस्ट मी, आप ज़्यादा होमसिक फील करोगे कि अगर आपको एक सिंगल रूम दे दिया जाए। बट हाँ, ऑफकोर्स ज़्यादा बड़ा रूम वो प्रोवाइड कर सकते थे, बट आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। एंड जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं, बाय द वे दैट इज़ दी हॉस्टल, जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं उनके हॉस्टल रूम्स काफ़ी बेकार होते हैं, IITs के तो और बेकार होते हैं, और उनका मेस का खाना तो एकदम ही ओके, वो छोड़िए आप, तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिए भाई, आपको इनफैक्ट पहले 3 साल में ज़्यादा मज़ा आने वाला है जब आप IPM हॉस्टल में रहोगे, कम्पेयर टू जब आप 4th और 5th ईयर में PGP हॉस्टल्स में रहोगे, उससे ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, क्योंकि आपको अकेले रहने में भाई उतना फ़ील नहीं आता। हॉस्टल फील तो तभी आता है भाई जब आप सबके साथ रहते हो, एंड उतने ही छोटे रूम्स में हम 14-15 लोग आराम से मज़े करते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज, ये था एक छोटा सा कैंपस का टूर, वैसे तो हो सकता है और भी टूर्स आपको मैं देता रहूँ, लेकिन आई होप इससे आपको मोटिवेशन मिला होगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, इसमें क्या ही लगेगा आपका।